हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। तो आज की इस न्यू वीडियो में गाइस बताने वाला हूँ कि यहाँ पे बीओबी में से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। तो गाइस आपको वीडियो पूरा वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप बीओबी एप्लीकेशन से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। तो गाइस देखिए, आपको सिंपली मैं अपनी जो बीओबी की एप्लीकेशन है यहाँ पे, उसमें जाके लाइव आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे आप बीओबी एप्लीकेशन में पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। अगर आपको पर्सनल लोन लेनी है तो आपको पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका अकाउंट होना चाहिए। हाँ गाइस, आपको यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बीओबी एप्लीकेशन में यहाँ पे एटीएम वगैरह से आपको लॉगिन करना, एटीएम चाहिए एटीएम से आपको लॉगिन करना होगा। इसके बारे में आप मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा बीओबी एप्लीकेशन कैसे लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आज बताने वाला हूँ कि बीओबी एप्लीकेशन में पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। तो गाइस देखिए, अभी मैं बीओबी एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए जैसे ही ओपन कर दिया, लॉगिन पिन मांग रहा है। यहाँ पे मैं फिंगर से यहाँ पे मैं लॉगिन पिन डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लॉगिन पिन डाल देना। यहाँ पे इधर टच करेंगे तो आपका पिन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जो भी आपका पिन है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे ही मैं डालता हूँ, देखिए यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा गाइस। देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इसके बाद आपने जो मेरा अकाउंट है, यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह शो हो चुका है। तो आपको सिंपली पर्सनल लोन की प्रोसेस कैसे करनी है, देखिए इसमें यहाँ पे अमाउंट सब यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे एक्स है, लेकिन आपको अमाउंट आपको चेक करना है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते आपका अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा गाइस। देखिए गाइस, इसके बाद आपको नीचे आ जाने का। देखिए नीचे जैसे आ रहे यहाँ पे पासबुक ट्रांसफर, यहाँ पे पासबुक में जाकर आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन भी चेक कर सकते हो। देखिए ऐसे में ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी अकाउंट का करना है वो। देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे डन करके यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करते यहाँ पे नीचे सब ट्रांजेक्शन आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे पर्सनल लोन कैसे ले सकते हो। तो देखिए गाइस, पर्सनल लोन आपको सिंपली करने के, यहाँ पे डिजिटल लोन का यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डिजिटल लोन। तो सिंपली आपको डिजिटल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते यहाँ पे चार पांच ऑप्शन देखने को मिलेगा, लोन एजेंसी अवेड्यू, यहाँ पे अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, डिजिटल ऑटो लोन्स, डिजिटल स्टॉप लोन्स। तो सिंपली आपको करना है कि यहाँ पे अप्लाई पर्सनल डिजिटल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो, देखिए गाइस यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको आइकन देखने को मिल जाएगा डिजिटल पर्सनल लोन्स, तो नीचे आ जाने का। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो गाइस, यहाँ पे लोडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है गाइस। देखिए यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, इससे थोड़ा आपको भी यहाँ पे लोडिंग होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो देखिए आपको जो भी अप्रूवल हो रही है लोन, यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लोन, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन सोलन के यहाँ पे नेम वगैरह जो कि यहाँ पे लोन्स ऑफर्स, मतलब मेरे में 135,000 के यहाँ पर लोन्स ऑफर दे रहा है। आपको कितनी हुआ आपको आपकी एप्लीकेशन में जाके चेक कर लेना इस तरीके। देखिए आप नीचे आ जाने का है, यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से आपको अमाउंट सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ से मैं अमाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डालूंगा और यहाँ पे पर्सनल लोन यहाँ पे आ जाएगी गाइस। आपको बैंक में भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल से घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हो। हाँ गाइस, आप घर बैठे लोन ले सकते हो। देखिए गाइस यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। देखिए इसके बाद नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे स्टैम्प्स ड्यूटी, GST, प्रोसेसिंग फ्री, लोन मंथली MI, नेट लोन्स अमाउंट। यहाँ पे ये सब देखने को मिल जाएगा, आपके महीने में कितना MI आएंगे, कितना प्रोसेसिंग चार्ज है, कितना इंटरेस्ट लगने वाला है और कितना यहाँ पे GST कटने वाली है और यहाँ पे नेट लोन अमाउंट जो भी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे मंथ भी आपको सिलेक्ट करना है। 18 मंथ में MI पूरा करना है तो कर सकते हो, बाकी यहाँ पे आप ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉल आ चुका है, इसको मैं कट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 47 महीने, यहाँ पे मैं 36 महीने कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे जो MI है, लोन MI यहाँ पे
स्लो हो जाएगी, ओछी हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1700 रुपया हो चुके, पहले 8000 रुपया थी, अभी यहाँ पे ओछी हो चुकी है, सिर्फ 1700 रुपया हो चुके हैं। इसके बाद आपको ये सब चेक करना है, इसके बाद आपको सिंपल दो आइकन वाले क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ये सब यहाँ पे वगैरह आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर वगैरह आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर लोडिंग हो जाएगा। देखिए देखिए गाइस, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे यूज कस्टमर नॉट कम टू लोन रिप्लेसमेंट टच नहीं कर रहे, यहाँ पे नेटवर्क का एरो है, बैंक में से एरो है, लेकिन आपको इतना प्रोसेस करना है। इसके बाद क्या करना है, अपना आधार कार्ड, पान कार्ड नंबर डालना होगा, वो डाल देना है। इसके बाद अपने अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और ऐसे करके आप जो पर्सनल लोन है वो ले सकते हो। मतलब इतना ही आधार कार्ड पान कार्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो अकाउंट इसमें लिंक है उसमें पैसा आ जाएंगे और इसमें से ही अमाउंट कटेंगे, जो EMI हो इसमें से ही कटेगा। महीने हर महीने आपको 1700 रुपये जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो EMI पे कटेगा। तो गाइस आप ऐसे करके पर्सनल लोन BOB एप्लीकेशन से ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि आपको यहाँ पे पर्सनल लोन कैसे लेना है BOB बैंक ऑफ बड़ौदा में BOB एप्लीकेशन से अपने मोबाइल से। तो आपको मैंने लाइव प्रोसेस दिखा दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।